गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टाइपोग्राफी आईपी स्टूडेंट्स, सॉरी आईपी स्टूडेंट्स, अब तक हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स से रिलेटेड थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम पाइथन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम ऑपरेटर्स का जो ये सिलसिला है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं, उनको अभी हम देखो किस तरह से यूज करते हैं, अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज करते हैं ना, तो देखो कुछ इस तरह से, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं इस एक्सप्रेशन में, और यहाँ हमारा बीच में रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो दोनों एक्सप्रेशंस में जब हम स्टेटमेंट्स को पास करते हैं, दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट, ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन, दोनों ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन थ्री को देखें ना, तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन टाइप करने में गड़बड़ की है। वो क्या किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर साथ में यूज किया, लेकिन अब हम बीच में क्या कर रहे हैं, उसको रिलेशनल ऑपरेटर के साथ क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, फिर बाद में माइनस कर रहे हैं। तो ये जो बीच में है, ये तो बीच वाली एक्सप्रेशन है, ये तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। तो ट्रू फॉल्स में से आप माइनस टू कैसे करेंगे, या फिर ए को ट्रू फॉल्स में कैसे ऐड करेंगे। तो ये इस तरह की एक्सप्रेशन जो है आपको ध्यान से टाइप करनी है, जब कहीं रिलेशनल और अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को आपको कंपाइल करना है, इकट्ठे कलेक्टिवली यूज करना है, तो दोनों को आप एक साथ थोड़ा ध्यान से यूज करेंगे। तो ये जो टॉपिक मैंने लिया है, ये पेज नंबर 96 पर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको थोड़ा सा बताया है कि जब आप इस इक्वल टू और इस इक्वल टू को यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है। मतलब कि ये जो सिंगल इक्वल टू है, ये तो सिर्फ वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, और ये जो डबल इक्वल टू है, ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब देखो, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर ना, आज से पहले आपने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो ये पाइथन में हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज होता है। अब देखो, इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या मतलब है, आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब है कि जब आप दो ऑपरेंड को इक्वालिटी के लिए कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों ऑपरेंड सेम मेमोरी एड्रेस से बिलोंग करते हैं, और साथ साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज भी सेम है मेमोरी एड्रेस पे, तब इस केस में ये आइडेंटिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, और ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। या तो वैल्यू डिफरेंट है या फिर मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, तो ये क्या, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इस तरह से यूज होता है स्टेटमेंट में। लाइक हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए और बी। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ए और बी वेरिएबल जो हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम हैं या नहीं है, तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं, ए इज बी। तो अगर ए और बी की वैल्यूज सेम है और दोनों के मेमोरी एड्रेस भी सेम है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर किसी केस में बी की वैल्यू तो सेम है लेकिन बी का मेमोरी एड्रेस कुछ डिफरेंट है, तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह के एग्जांपल अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेजेस पे, इसके एग्जांपल्स भी हैं। तो देखो, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, लाइक ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10, तो आपने कंपेयर किया ए इज बी, तो देखो वैल्यूज भी सेम है। अब इस तरह के एग्जांपल्स आप पहले भी कर चुके हैं कि जब आप दो वेरिएबल्स में सेम वैल्यू पुट करते हैं, तो वो सेम मेमोरी एड्रेस को भी बिलोंग करते हैं, है ना। तो ऐसा एग्जांपल आप पहले भी कर चुके हैं, तो इस केस में ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज, ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। और इसको हम नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, इज नॉट, मतलब कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इज और इज नॉट से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वही है आईडी, आईडी जो है, आईडी फंक्शन किस लिए यूज किया हमने, किसी वेरिएबल का अगर हमें मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो हम आईडी को भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, सेम वैसे ही आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही, ये ट्रू और फॉल्स के केस में है, आप इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जब मैं आपको इस तरह से कोई ट्यूटोरियल बना करके भेजती हूँ,
तो आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, साथ में चैप्टर को रीड भी करना है। जब तक आप खुद चैप्टर को रीड नहीं करेंगे ना बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगे। वैसे तो क्लियर हो जाएंगे, बट फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप एग्जाम्पल्स को पूरा अच्छे से गो थ्रू हो। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी इज, ये दोनों ऑपरेटर्स अगर हम इक्वल टू और इज ऑपरेटर किसी केस में यूज कर रहे हैं, अब देखो वो केस किस तरह का हो सकता है। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, तो अगर हमने यूज किया ए इज बी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमने ए इक्वल टू बी यूज किया तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन एक केस हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे S1 में हम वैल्यू डाल रहे हैं एबीसी, लेकिन S2 में हम वैल्यू डाल रहे हैं इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने वैल्यू डाली इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, लेकिन S2 में हमने जो एंटर की स्ट्रिंग वो भी एबीसी है। अब देखो वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में तो दोनों सेम है, बट एक्चुअली पाइथन जब इनको इनके मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेगा ना, तो इस स्ट्रिंग का मेमोरी एड्रेस कुछ और होगा, और S2 में जो स्ट्रिंग है वो डिफरेंट तरीके से एंटर की गई है, इसलिए S2 का जो मेमोरी एड्रेस ना वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगा। तो इसीलिए देखो, जब आप S1 को S2 से कंपेयर करेंगे सिंपली इक्वल टू ऑपरेटर से, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू तो सेम है। बट अगर आप S1 इज S2 इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम है बट मेमोरी एड्रेसेस ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो इसको आपने इस तरह से ध्यान से ऐसे स्टेटमेंट्स को करना है। उसके बाद देखते हैं कुछ इसी तरह से हम फ्लोट या इंटीजर वैल्यूज के केस में भी अगर हम देखें तो इसी तरह से सेम ये भी परफॉर्म होती हैं। अब यहाँ K में 3.15 है सॉरी, और L में आप जो वैल्यू 3.5 डाल रहे हैं वो किसी और मेथड से डाल रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज तो सेम हैं, तो जब आप K इज इक्वल टू L पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो वो तो ट्रू रिटर्न करेगा, बट जब आप K इज L करेंगे तो L का मेमोरी एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा, इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। तो जो इनपुट स्टेटमेंट होती है ना बेटा, यहाँ मेमोरी एड्रेस क्यों डिफरेंट है, जब इनपुट स्टेटमेंट से कोई इनपुट ली जाती है ना किसी वेरिएबल में, तो उसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट तरीके से पाइथन के थ्रू असाइन किया जाता है, और सिंपल जब एक वेरिएबल को डायरेक्टली कोई वैल्यू असाइन की जाती है तो उसका मेमोरी एड्रेस कुछ और तरीके से असाइन किया जाता है। तो इसीलिए दोनों वेरिएबल्स के केस में, इन दोनों वेरिएबल्स के केस में वैल्यूज बेशक सेम है लेकिन मेमोरी एड्रेस दोनों में डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखो रीजन ये है, The reason behind this behavior is that there are a few cases where Python creates two different objects even though both store the same value. Input of strings both the console. ठीक है, जब आप दोनों की input provide देते हैं तो वो किस तरह से किया है? Writing integers literal with many digits, very big integers, मतलब कि जब आप integers भी लेते हैं तो वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। राइटिंग फ्लोट पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स लिटरल्स, अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स लिटरल्स ले रहे हैं तो उनके भी जो मेमोरी एड्रेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। बेशक एक वैल्यू 4.0 है और दूसरी भी 4.0 है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया ना तो दोनों के मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होंगे। अब देखो यहाँ आपको छोटे से एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेन करके दिया है कि आपने एक स्ट्रिंग यहाँ क्रिएट की ए बी सी और वेरिएबल लिया S1, मतलब कि S1 में एक स्ट्रिंग ली है ए बी सी और S2 में एक स्ट्रिंग आप एंटर करवा रहे हैं यूजर से, वो भी यूजर बाद में ए बी सी डालेगा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दी जाएगी, यहाँ जो स्ट्रिंग एंटर की जाएगी वो कंसोल के थ्रू एंटर होगी, एक दूसरी विंडो के थ्रू यहाँ स्ट्रिंग एंट्री हो रही है और बाद में एंटर होगी, तो दोनों की जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, सेम है बट दोनों के मेमोरी एड्रेस डिफरेंट रहेंगे। देखिए किस तरह से,
S1 का मेमोरी एड्रेस सपोज ये है और S2 की जब इनपुट मिली ना तो उसका मेमोरी एड्रेस, क्योंकि इनपुट डिफरेंट टाइप से जा रही है तो पायथन उसका मेमोरी एड्रेस कुछ और रखेगा, ठीक है। हाँ, अब जब हम यहाँ पे S1 इज इक्वल टू ये यूज करेंगे S2, तो दोनों की वैल्यूज सेम है तो इनको वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में ये वेरिएबल सिर्फ कंपेयर कर रहा है तो यहाँ ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप इज ऑपरेटर, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, तो ये इसके आइडेंटिटी को चेक कर रहा है कि इसका मेमोरी एड्रेस भी सेम है या नहीं है, तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर है। तो बेटा इन जो ये छोटी छोटी बातें हैं पाइथन ऑपरेटर से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से रिलेटेड, आपको ध्यान रखनी है, इसमें कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड है, उसको हम बाद में कवर करेंगे बेटा। यहां तक आप आज अच्छे से इन ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल्स जो गिवन है बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कीजिए और उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को करेंगे। ओके, बाय बेटा।